पन्नी और दे दो, एक पन्नी और दे दो, बस वहीं से चलकर मैं इनके घरों तक पहुँच जाऊँ। अच्छा जो आप वो है, समझ गया जी। हाँ जी तो भैया मैं हूँ डिस्पोजेबल ग्लास, मुझे यूज करती है सारी क्लास, मुझे यूज करती है हर क्लास, और भैया मैं हूँ डिस्पोजेबल ग्लास। डिस्पोजेबल ग्लास हाँ, तुम लोग लंग गढ़ भंडार है सब में यूज करते हो मेरे को करते हैं जी। फिर तो स्पून तो सारा तुम कमा लेते हो, पूरा कमाता हूँ, और मेरे ताई भाई छोड़ जाते हो। वो है हाँ, और भैया मैं हूँ श्री 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 1000 चिप्स बार। अरे भैया जब गंगवाल हो सकते हैं, वर्तमान हो सकते हैं, गिरिवाल हो सकते हैं, तो चिप्स बार क्यों नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल। आप क्या करते हो? और भैया मैं जो हूँ बच्चों से लेके बड़े, बूढ़े से लेके जवान, महिला से लेके पुरुष, सबका ही फेवरेट हूँ, इन बच्चों के भी। बताया तो अब जैसे भी कुछ बच्चों को भूख लगती है ना, या कुछ खाने का मन करता चटोला, मम्मी को जाता है, मम्मी मुझे पाँच रुपए दे देना, मम्मी तुरंत देते ले बेटा। अब बच्चा आता है खाना बनी का सड़ता है, ठीक है, और जैसे इन भाई साहब का चीज होता है ना कुछ खा लेते यार, खाया बनी का सड़क पे, और मानो हम किसी का मुंह नहीं खाने का मन करा, खा इस पट्टी का सड़क पे, उसी पट्टियों से हमने बना दिया यहाँ पे कूड़े का पहाड़। बस वही सब आया था पागल हो गई, भर्ती करा हुआ चल गया। अरे मैडम जी, अरे भूख लग रही कौन है मैडम जी? मैं जैविक कूड़ा हूँ। जैविक कूड़ा है क्या होता? जैविक कूड़ा, जैविक कूड़ा आपके घर के बचे हुए खाने, सब्जियों के छिक्कल और फलों के छिक्कल से बनता है। अरे पर मैडम आप रो क्यों रही हैं? क्योंकि क्योंकि मैं बहुत उपयोगी हूँ ना, मेरी खाद बनती है, लेकिन फिर भी ये लोग मुझे प्लास्टिक पन्नी के साथ बिगाड़ फेंक देते हैं। ओ, तो इसलिए रो रही हैं? ये बात तो सही है, जैविक कूड़े की खाद तो बनती है उपयोगी। अरे मैडम जी आप कौन है? मैं हूँ इस सबकी बॉस। लेकिन मेरे कितने सिंगल यूज प्लास्टिक में होती ही नहीं है, पूछो कैसे? कैसे? आप लोग खिलौने लेने जाते हो वो किस में लिपटे होते हैं? पन्नी में। आप लोग गद्दे लेने जाते हो वो किस में लिपटे होते हैं? पन्नी में। आप लोग कपड़े लेने जाते हैं वो किस में लिपटे होते हैं? पन्नी में। अरे आजकल इतना दिखावा है शादी और पार्टियों में भी, खाना और प्लेट से लेकर सब कुछ पन्नी में ही रैप होता है, लेकिन मेरे गिनती तो सिंगल यूज प्लास्टिक में होती ही नहीं है। मेरा पूरा 43% का योगदान है पूरी गंदगी फैलाने में, समझे? 43% का योगदान। कितने बदतमीज लोग हैं ना ये, एक तो हमारी नालियां चौक करते हैं, हमारी नदियां खराब करते हैं, हमारे आगे आने वाली जनरेशन को खराब कर रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं, और ऊपर से हम ये करते हैं वो करते हैं, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अरे चल, तुम लोगों का शर्म नहीं आती, उल्टा छोड़ कोतवाल को डांटे, कूड़े का पहाड़ लगा दे खुद, और जान हमको बांटे। को क्या बोलता है माता? वो सारी गंदगी भाई साहब खुद फैलाता है, और दोष लगाता नगर निगम वालों पे। अरे 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 शर्म तो तेरे को आनी चाहिए, महिलाएं कैसे सैनिटरी पैड्स और डायपर्स को पन्नी में बांध कर इधर उधर फेंक देती हैं, खुद तो उनका पोस्टमार्टम करते हैं, अरे मैडम करते हैं, और फिर क्या होता है हमारे, अरे भाई साहब निकल के वो आगे आगे हो जाओ थोड़ा, और फिर क्या होता है हमारे स्वच्छता मित्र संक्रमण की चपेट में आ गए हैं, बीमारियों का शिकार बनते हैं, और अरे भाई शर्म तुम्हें आनी चाहिए, ये लोग गीला और सूखा कूड़ा जो एक ही पॉलिथीन में गांठ लगाकर फेंक देते हैं, और फेंकते हुए डस्टबिन में नहीं है, पड़ोसी है खाली प्लॉट में, शर्म तुम्हें आनी चाहिए। बात तो ठीक कह रहा है, बात ठीक कह रहा, लेकिन इन लोगों को खत्म करना पड़ेगा। मेरे दिमाग में आ गया आइडिया, आइडिया आ गया मेरे दिमाग में, आंटी जी आइडिया आ गया, मैं तुम लोगों को खत्म कर दूंगा, पूछो कैसे? कैसे? पूछो कैसे? कैसे? मैं तुम लोगों को इकट्ठा करूंगा, और उसके बाद तुम सब में लगा दूंगा, लगा दूंगा, लगा दूंगा,
तो हमारे में आग लगाएगा तो हम पर्यावरण को इतना दूषित कर देंगे चारों तरफ धुआं ही धुआं, सांस भी नहीं ले पाओगे। भैया आपको पता है हर साल पॉलीथिन जलाने से जो आप पॉलीथिन जलाते हैं उससे हजारों लोग कैंसर का शिकार होते हैं, टीवी का शिकार होते हैं और कई हजार लोगों की मृत्यु हो जाती है। अभी तुम्हें पता है सब पहाड़ है ना धुएं का, ऐसे ही पहाड़ केरला में था, वहां पर जब उसमें आग लगी तो उसे बुझाने में 15 दिन लगे और उसका 200 मीटर के दायरे में तब लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। अगर तुम हमें आग लगाओगे ना तो हम तुम्हारे लिए ही घातक है। आग नहीं लगा सकते नहीं आइडिया नंबर दो, मैं तुम लोग को खत्म कर दूंगा। पूछो कैसे? कैसे पूछो कैसे? कैसे मैं जमीन में करूंगा एक बड़ा गड्ढा और तुम सबको उसमें दबा दूंगा। पकड़ मेरे को। अरे बहुत गुस्सा, बहुत खतरनाक है, जाके निपटे अभी मजा आएगा ना भेड़ो। अभी मैं निपटेगा जैसे। क्या कह रहा था? गड्ढा करूंगा भाई साहब। गड्ढा क्या कहते भाई, काम को ये दबाऊंगा भाई, हम सारी उपजाऊ शक्ति खत्म कर देंगे मिट्टी की। वाटर लेवल ऑल डाउन भाई साहब। वाटर लेवल कितने मिलता है अभी? वाटर लेवल अभी 150 पे 20 पे है। 150 पे है, पहले कितने मिला करता था? 40-50 पे। 40-50 पे धीरे धीरे ऐसे ही कहाँ जाएगा वाटर लेवल? 200-300-400 जाएगा। तो आप लोगों से छुटकारे कैसे पाऊं? अरे मेरी बात सुन, बोला करने घर की कौन सी गाड़ी आती है? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। वही गाड़ी। उस गाड़ी में 3 डिब्बे होते हैं। 3 डिब्बे हरा नीला लाल। कौन से डिब्बे? हरा नीला लाल। हरे डिब्बे में क्या होता है? हरे डब्बे में डालते हैं गीला कचरा, जैसे कि जो आपके घर में खाना बच जाता है, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके और जो आपके घर में फल सब्जियां खराब हो जाती हैं। अच्छा, और नीले डिब्बे में क्या होता है? भैया नीले डिब्बे में होती है डिस्पोजल। क्या होती है? डिस्पोजल। सूखा कूड़ा, पन्नी हो गई, चिप्स हो गए, ये काय में आती है? नीले डिब्बे में। और सबसे खतरनाक लाल डिब्बा। लाल डिब्बा, लाल डिब्बे में सबसे ज्यादा खतरनाक वस्तु आती है। पूछो कौन सी? कौन सी? सैनिटरी पैड, डाइपर, कांच के टुकड़े, सिरिंज, पुरानी दवाइयाँ, ये सब किस में आती है? लाल डिब्बे में। अब भैया सुन लो, अरे सभी के लिए, ये सर हम किस इंसान की बात नहीं कर रहे, हर उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो पन्नी और कूड़ा यहाँ वहाँ फेंक देता है। और आपको पता है पॉलीथिन हजारों साल तक खत्म ही नहीं होती। तो भैया अपने लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए तो सोचो। और सुन लो, हम समस्याएं नहीं है, हम संसाधन। क्या है? संसाधन। बस जरूरत है RRR समझने की। RRR? हाँ, RRR। हाँ, अरे ये तो जानता हूँ मैं। हाँ? ये तो फिल्म थी, ऑस्कर भी मिला। अरे माने फिल्म थी, फिल्मों से बाहर भी निकल। RRR मतलब रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। अरे ये भी जानता हूँ मैं। रिड्यूस का मतलब होता है कम से कम पॉलीथीन का इस्तेमाल करना। रियूज का मतलब होता है जो पॉलीथीन या आपके पास जो बॉटल वगैरह है उसका एक बार से अधिक इस्तेमाल करना, और जब वो बिल्कुल खराब हो जाए तो आप फिर उसको कर सकते हो रिसाइकल। मतलब बताऊं, जब भी भैया घर से सामान नहीं मिलता तो क्या लेके जाए? जब भी घर से दूध पनीर कुछ लेने आए तो क्या लेके जाए? और जो जैसे भैया ने बोला कि रियूज, रियूज कैसे, मान लो पॉलीथीन आपके पास है, आप इसे फेंकना मत, इसे दोबारा रियूज करना, फिर आता है रिसाइकल। रिसाइकल के बाद क्या होता है, आपने भी देखे होंगे ना, बहुत सारी संस्थाएं ऐसी होती हैं जो प्लास्टिक के कचरे को ना दबा के या कुछ ऐसा करके ना उसकी टेबल, कुर्सी, मेज, इस तरह की चीजें बना देते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट। हाँ, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बन जाते हैं, टाइल्स वाइल्स, है ना। तो आप नगर निगम को एक कचरा दे, वो रिसाइकल हो जाता है। अरे भैया अब आप लोगों को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, अब मेरे शहर के लोग समझदार हो चुके हैं। एक मिनट, आप लोग रुद्रपुर को स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 देखना चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। बिल्कुल लोगों को जाना पड़ेगा। अरे भैया जो लोग नहीं बोल रहे उनके लिए हम ये कहना चाहते हैं, जागो 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 को है यही नारा।
जागो 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 जागो